पिछले 38 दिन से मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल हमारे साथ है। 40 दिन का समय दिया था आपने राज्य सरकार को, लेकिन अब आखिरी के 2 दिन बचे, आपको क्या लगता है कि मराठाओं को आरक्षण मिल जाएगा? आरक्षण तो मिलेगा, सरकार देगी नहीं देगी तो हम अब तैयार हो गए लड़ने के लिए। ये शांति का युद्ध सरकार को रुकेगा नहीं। हम पहला टप्पा तय किया है 28 तारीख तक, दूसरा टप्पे में सरकार को ये आंदोलन पेलेगा नहीं, इतना बड़ा होगा देखते जाओ। वो आप सहजता से लेते होंगे कि कुछ नहीं होगा, आप तो शांति से है, अनशन है, कुछ नहीं होगा, गंभीरता से लेना पड़ेगा सरकार को। आपने सर उसके बाद सरकार की नींद उड़ जाएगी, ये देखते रह जाएगा सरकार। 24 के बाद अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो क्या करने वाले हैं आप? मैं तो अनशन करने वाला हूँ मरने तक जी। मैं उपचार भी नहीं दूंगा, पानी भी नहीं दूंगा, कुछ लेने वाला नहीं। मैं एक तो मेरी अंत यात्रा निकलेगी, नहीं तो मराठों की विजय यात्रा निकलेगी आरक्षण की, इस पर मैं ठाम हूँ। लेकिन सरकार देगी नहीं देगी तो सरकार को हमारे गांव में आने का हमने प्रबंध किया है, नहीं आ सकते हो हमारे गांव में। ऐसे कई जिले में ऐसे कई सारे गांव हैं जहां पर राजकीय नेताओं का आना प्रतिबंध किया गया है। समाज का डिसीजन जो है वो मेरा है, वो हमारे गांव में क्यों आते हैं? वो हमको मानते नहीं है ना हमारे, फिर हमारे गांव में क्यों आते हैं? हमारे गांव में आने का नहीं, हम उनको आने नहीं देंगे। तो आपको आना पड़ेगा तो रिजर्वेशन लेके आना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं आ सकते। मराठे आपको रोक के दिखाएंगे, आप देखो आगे आगे क्या होता है। शिंदे कमेटी है उसकी, उसने कुछ समय मांगा है। समय नहीं दे सकता, एक घंटा भी नहीं दे सकते, नहीं देंगे। अगली भूमिका क्या रही? अब पहला टप्पा हमने तय किया है 25 से 28 तक, 28 के बाद सरकार को समझेगा आंदोलन कैसा होता है, आंदोलन तो रुकेगा नहीं, आरक्षण लेके ही रह गया। ये है मनोज जरांगे जो मराठा आरक्षण के लिए पिछले 38 दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि अगर 28 तारीख के बाद आरक्षण नहीं मिलता है तो इनका आंदोलन तीव्र रूप इख्तियार कर सकता है। कैमरामैन मोहम्मद समी के साथ इसरार चिश्ती, अंतरवाली सराठी।